नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी स्टडी पॉइंट को और पाइए सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट और सुपर टेट के लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। जो भी हमारे डीएलएड और बीटीसी बीएड वाले छात्र हैं वो इस क्लास को अवश्य देखें। जो भी बच्चे सुपर टेट और यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न, हिंदी भाषा का जो विकास है वह किस क्रम में हुआ था। वह क्रम देखते हैं, सबसे पहले जो भाषा आई थी वह आपकी थी पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अभट्ट और उसके बाद विकास होता है हमारी हिंदी भाषा का। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये आपको कॉपी पेन लेकर बैठना चाहिए और अभी आप सारे प्रश्न मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा और साथ ही साथ याद करते चलिएगा। टेट और सुपर टेट की ये स्पेशल क्लास है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। तो आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी जो शब्द है वह आपकी फारसी भाषा का शब्द है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो ये आपकी हो जाएगी देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में जीएस में भी पूछ देते हैं, हिंदी में भी पूछ देते हैं। हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस दोनों आपको पता होने चाहिए। अब हिंदी दिवस के बजाय विश्व हिंदी दिवस ज़्यादा पूछते हैं, तो आइए अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए, हिंदी दिवस जो आपका है वह मनाया जाता है 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस जो है वह आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला प्रश्न यह है, हिंदी का जनक किसे कहा जाता है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, तो जिसे पता हो वह तुरंत कमेंट करे और जिसे ना पता हो उसे मैं भी बताऊंगा। तो हिंदी का जनक कहते हैं अमीर खुसरो जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, तिथि बतानी है आपको सन के साथ। तो हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। तो आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। तो यह आपका हो जाएगा प्रिय प्रभास। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आप लोगों ने लिख लिए होंगे, साथ ही साथ लिखते चलिएगा और अभी लिखने के बाद तुरंत एक बार रिवाइज कर लेना, आपको याद हो जाएंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, अगला प्रश्न यह है, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, परीक्षा में अपभ्रंश से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जो मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन जो पहला प्रश्न है अपभ्रंश से वो यह है कि अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह आपका होता है बिगड़ा हुआ अथवा गिरा हुआ। तो दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन हैं। तो यह आपके हो जाएंगे पुष्पदंत। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब आइए देखते हैं अपभ्रंश से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो आइए अब देखते हैं, किस अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। तो पहली आपका जो अपभ्रंश है वह है सौर सैनी अपभ्रंश। देखिए, इस अपभ्रंश से किन भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं, भाषा दे देते हैं और कहते हैं ये किस अपभ्रंश का है, तो वो आपको बताना होता है। तो सौर सैनी अपभ्रंश से जितने भी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है मैं वो यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आपकी चार भाषाएँ आती हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती हिंदी। साथ साथ लिखते रहिएगा और अब देखते हैं अगला अपभ्रंश कौन सा है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, कैकेय अपभ्रंश।
देखिए, इस अपभ्रंश से जिस भाषा की उत्पत्ति हुई है वह आपकी है लहेंदा, और ये परीक्षा की दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं आपको लिखाई दे रहा हूँ सारी शौर सैनी अपभ्रंश की जो भाषाएं हैं वो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और अब देखते हैं अगला अपभ्रंश। तो अगला अपभ्रंश आपका जो है वह है टक अपभ्रंश, और उससे उत्पत्ति होती है पंजाबी भाषा की। महत्वपूर्ण प्रश्न है, साथ ही साथ लिखते रहिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। और आपके साथ साथ आपके जो साथी हैं, जो साथ ही साथ तैयारी कर रहे हैं टेट की या सुपर टेट की, जो आपके साथ पढ़ते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो आप देखने से पहले ही शेयर कर दीजिए कीजिए, जिससे कि आप भी देखें और उसी साथ साथ वो भी देखें, आप भी लिखें और वो भी लिखें, फिर आप एक दूसरे से सुन लीजिएगा तो आपको अच्छा याद हो जाएगा। तो भाई शेयर कीजिए सबके साथ। अब देखते हैं अगला अपभ्रंश। आपका अगला अपभ्रंश हो जाएगा मागधी अपभ्रंश, और इससे जिन भाषाओं की उत्पत्ति होती है वह आपकी हैं बिहारी, हिंदी, बंगाली, उड़िया और असमिया। देखिए, ये पांच भाषाएं हो गई। ये जो मागधी अपभ्रंश है आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस पे इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा। अगला अपभ्रंश आपका है अर्ध मागधी अपभ्रंश, और इससे हमारी पूर्वी हिंदी भाषा का विकास होता है। तो दोस्तों, ये तो रहे आपके सारे अपभ्रंश, उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे। ये जो आपका क्लास था ये यूपी टेट और सुपर टेट का स्पेशल क्लास था। तो आप लोगों के जितने भी साथी हैं जो टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, आपकी परीक्षा 2 महीने के अंदर होने वाली है, तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करेंगे, जितना अच्छे से पढ़ लेंगे, जितने आप लोग फोकस कीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है सब कुछ पढ़ने के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िएगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट फोकस कीजिए, जो आपको अच्छा मटेरियल जो आपके लायक है, आपकी परीक्षा में आने के लायक है, उस पर फोकस कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।